भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के बैनर तले प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का किया आयोजन। इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में खाली पड़े मैदान में कुछ लोग काफी समय से झुग्गी झोपड़ी बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह जगह शहर के बीचों बीच होने के बावजूद शहर से अलग है, जहां पर साफ सफाई का अभाव रहता है, जिसकी वजह से यहां रहने वाले लोगों को बीमारियों की मार झेलनी पड़ती है। यहां रहने वाले लोगों को जागरूक कर एक अच्छा जीवन जीने की उम्मीद दी है प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय झिरिया ने। इस संस्थान ने यहां झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को गोद लेकर इसे दिव्य नगरी नाम दिया है और रविवार को सरस्वती विद्यालय निराला नगर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर यहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाएं दी। लोगों के बीच स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और बीमारियों से सजग रहने की बातें भी बताई गई। ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा किया गया यह प्रयास निश्चित ही वहां रहने वाले लोगों के जीवन में एक अच्छा बदलाव लाएगा, जिससे वो लोग भी एक सामान्य जीवन व्यतीत कर पाएंगे। आज हम लोग ये इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में जो बस्ती बन गई है, झुग्गी झोपड़ी बस्ती, उसको ब्रह्म कुमारी ने अडॉप्ट किया है और उसको दिव्य नगरी नाम दिया है। तो आज हम लोगों ने ये सोचा कि वहाँ जो बस्ती के रहवासी हैं उनको बुलाकर उन सबका एक बार स्वास्थ्य परीक्षण और कुछ स्वास्थ्य शिक्षा उनको कर दी जाए, जिससे कि वो उस स्थान पर रहते हुए भी अपना स्वास्थ्य का कुछ थोड़ा ध्यान रख सकें। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो महिलाएं बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी इनमें जानकारी का काफ़ी अभाव है और इनको बहुत आवश्यकता है कि स्वास्थ्य शिक्षा इनको बार बार दी जाए, जिससे कि वो अपने जीवन का स्तर सुधार सकें। सभी परमात्मा ने ये संदेश दिया है कि जो भी संसार में दुखी अशांत आत्मा है, उन सभी को सच्चे मार्ग पर लाने के लिए उन्हें सभी तरह का ध्यान रखते हुए उनके स्वास्थ्य का, उनके समस्याओं का, उनको समय देकर, स्नेह देकर उनके दुखों को दूर करना है। इसी वजह से हमने ये डॉक्टर्स की टीम बुलाकर और मेडिकल कैंप रखा है। सभी प्रकारों की जांच होगी और उनको यहां से दवाई भी दी जाएगी। एक तो आज खाना, एक तो 15 दिन बाद, ठीक, रोज ना खाना।